डाटा जनरेट होगी तो इस पूरे डोमेन में जाएगी और यहाँ राउटर तक भी जाएगी, लेकिन इस पीछे तक नहीं जाएगी, समझ रहे हैं? क्योंकि राउटर से ब्रॉडकास्ट क्या होगी, फॉरवर्ड नहीं होती। तो होगा क्या, हम वो देखते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वही काम करूंगा यहाँ से, ठीक है, आर और आईसीएमपी, और मैं पिन करवाऊंगा, लेकिन अब मैं पिन किसको करवा रहा हूँ, 172.16.1.1, इस पीसी को क्या करवा रहा हूँ, मैं पिन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आर टेबल में कहीं भी जो है 172 इस वक्त मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर मौजूद नहीं है तो फिर आर की रिक्वेस्ट तो जनरेट होगी ना, ठीक है। डॉट वन डॉट वन नीचे तक नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, अब आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं किस पर पिंग करवा रहा हूँ, 172.16.1.1, जो कि किसी और नेटवर्क से रिलेटेड पीसी है, ठीक है। मैंने इसको क्या किया, पिंग कर दिया। अब जाहिर सी बात है, इसने आर टेबल पे चेक किया होगा सबसे पहले, आर टेबल में 172 की एंट्री मौजूद नहीं है, तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है। तो यहां से ब्रॉडकास्ट इस स्विच पे जाएगी, आर की ब्रॉडकास्ट इस स्विच पे गई और ये ब्रॉडकास्ट जनरेट हो गई। अब तीनों पीसीज जो है 172 नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उसको डिस्कार्ड कर दिया ना, क्योंकि 172 है ही नहीं। अब राउटर के पास जब वो ब्रॉडकास्ट गई, तो राउटर क्या करेगा, इस ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड नहीं करेगा, बल्कि इसके अपने पास से रिप्लाई में क्या दे देगा, अपना मैक एड्रेस दे देगा इसको, कि आपको दूसरे नेटवर्क तक जाना है तो आप क्या करें, मेरा मैक एड्रेस ले लें, समझ रहे, ये गेटवे है इस पूरे नेटवर्क का। तो ये ब्रॉडकास्ट का जो रिक्वेस्ट गई है उसका रिप्लाई आया, ठीक है, ये रिप्लाई आ गया। अब पीसी के पास, पीसी को पता है कि अगर मैंने 172 तक जाना है तो मैं कहां भेजूंगा इसको, राउटर पे, जो कि मेरा गेटवे है, और उसका मैक एड्रेस इसके पास आ गया, मतलब कम्युनिकेशन इसकी अब तो मतलब कंप्लीट हो गई। इसके पास लॉजिकल एड्रेस भी है और फिजिकल एड्रेस भी आ गया राउटर का। अब वो राउटर का काम है कि वो उसको कैसे पहुंचाता है, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं इसको खोलूंगा, मैं इसको पहले कंप्लीट करता हूं, और मैं आप टेबल अगर चेक करूंगा अब, तो मेरे पास क्या आ रहा है, राउटर का मैक एड्रेस आ रहा है, सही है, 254, जो कि क्या है, E701। ये क्या लिखा हुआ यहाँ पे, E701, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी प्रॉक्सी आर्प कहलाती है। प्रॉक्सी आर्प क्या होती है, कि जब आपने किसी और नेटवर्क पे जाना होता है तो राउटर क्या करता है, अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड कर देता है पीसी को, और इसके बिहार पे कम्युनिकेशन हो रही है। अच्छा, ये जो पीसी होगा, इसने इसको रिप्लाई दिया है अभी यहाँ पे, ठीक है, रिप्लाई तो आ गया ना 172.16 से, तो इसके पास किसका मैक एड्रेस आ रहा होगा, कौन सा, अपने गेटवे का एड्रेस आ रहा होगा। तो इसके पास कहां से आ रहा होगा, E702 आ रहा होगा। तो इसको भी नहीं पता कि 192.168.1.1 का है। इसने क्या किया, अपने गेटवे का जो है मैक एड्रेस अपने पास एंट्री डाल ली। इसको चेक भी कर लेते हैं यहां पे, सही है। अब मैंने किस खोला है 172 का, तो इसके पास कौन सा आ रहा है, अपने गेटवे का मैक एड्रेस आ रहा है, ठीक है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को, कोई कंफ्यूजन किसी को है तो पूछ लो अभी भाई। ये अभी इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आईपी एड्रेस ही पढ़ेंगे ना, तो वो क्लियर हो जाएगा कि वो दो अलग अलग नेटवर्क है, सही है जी। सर, कार्ड टेबल की आपने लिमिट बताई थी 300 सेकेंड, तो जब आपने चेक किया तो उसमें भी दूसरा जो हमारे थे जो काफी पहले हम दे चुके थे वो भी आ रहा था। यार वो पैकेट ट्रेसर है ना, पैकेट ट्रेसर, हाँ ये सिमुलेशन है, रियल में तो वो हटा देता है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है।
ठीक है, तो प्रॉक्सी आर्म क्या करता है, राउटर डू नॉट, अब समझ आ जाएगा आप लोगों को, राउटर डू नॉट फॉरवर्ड ब्रॉडकास्ट, दे विल सेंड देयर ओन मैक एड्रेस टू द होस्ट, ठीक है, द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रॉक्सी आर्म, ठीक है, द आईपी प्रॉक्सी आर्म कमांड इज इनेबल्ड ऑन सिस्को राउटर बाय डिफॉल्ट, ठीक है, तो सिस्को राउटर पे प्रॉक्सी आर्म की कमांड बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है और वो जैसे ही उसके पास आपकी रिक्वेस्ट आएगी उसके जवाब में वो रिप्लाई में क्या करता है, अपना मैक एड्रेस दे देता है। राउटर पे जो आर टेबल बनता है वो चेक करते हैं, ठीक है, शो आईपी आर। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, 1.1 के नेटवर्क का भी आ रहा है और 16.1 के एड्रेस भी आ रहा है, तो राउटर ने क्या किया हुआ है, दोनों के एड्रेसेस अपने पास रखते हैं, दोनों नेटवर्क के उसके पास, ठीक है, क्योंकि उसको भी तो कम्युनिकेट करनी है ना उससे, तो अपने पास भी क्या कर रहा है, वो आर टेबल बना रहा है जिसमें वो मैपिंग रखी हुई है उसने आईपी एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, ठीक है, तो इसकी कमांड जो है वो है शो आईपी आर। आईपी एड्रेस तो पता होता है ना, आईपी एड्रेस तो कंफर्म पता होगा उसको, मैक एड्रेस नहीं पता होगा, मैक एड्रेस अपने एडजेसेंट का पता होगा सर, सही है, क्योंकि उसने वहां तक भेजना है फ्रेम को, फिर वो राउटर डिसाइड करेगा कि वो डेस्टिनेशन कहां है, ठीक है, तो राउटर जब हम पढ़ेंगे ना राउटिंग टेबल तो मैं बताऊंगा कि राउटर डिसाइड कैसे कर रहा होता है। देखिए ये मैं एक राउटर, ठीक है, तो मुझे क्या है, अपने राइट साइड का एक नेटवर्क चल रहा है और लेफ्ट साइड का, अभी यही हुआ है ना हमने जो इसमें बनाई है लैब, ठीक है, इसका राइट साइड पे एक नेटवर्क चल रहा है, लेफ्ट साइड, इसको दोनों नेटवर्क का पता है, समझ रहे हैं, लेकिन अगर यहां पे एक राउटर और लग जाता, ठीक है, अभी इसमें पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, मैं इसको एक मिनट कोड ऐड कर देता हूं, ठीक है, तो ये एक राउटर और कनेक्टेड, और अगर यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा होगा, ठीक है, जो कि कनेक्ट हुआ हुआ होगा, तो अगर मैंने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की भी, तो इसको इस नेटवर्क का नहीं पता होगा इस वाले राउटर को, समझ रहे, इसको सिर्फ यहाँ तक पता है कि मैं यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, अब इसके आगे जो नेटवर्क होगा ना वो ये राउटर डिसाइड करेगा कि कहाँ भेजना है इसको, डेस्टिनेशन है या नहीं है इसके बाद, वो फिर हम राउटिंग प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे तो वो फिर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से राउटर डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन डेस्टिनेशन जो आईपी एड्रेस होगा ना वो चेंज नहीं होगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज क्या हो रहा है, फिजिकल एड्रेस वो चेंज हो रहा है, या दो चार पोर्ट्स होती हैं, या तो दो आपकी इंटरनेट की पोर्ट्स होंगी, एक सीरियल पोर्ट्स होगी, लेकिन इसमें जो है आपके पास स्लॉट्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह आपके सिस्टम के अंदर स्लॉट्स होती है ना, आप और मजीद कार्ड लगा सकते हैं, इसी तरीके से राउटर में स्लॉट्स होती हैं, आप मजीद अगर एड ऑन जो है वो पोर्ट्स लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, मॉड्यूल कहते हैं उसको, फाइबर का मॉड्यूल लगा लें आप उसके अंदर, इंटरनेट लगा लें, सीरियल लगा लें, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्री मैनुफैक्चरिंग जो आता है वो दो तीन पोर्ट्स ही होती है, ज़्यादा पोर्ट्स नहीं, ठीक है, क्लियर है, तो अब तीसरी टाइप कौन सी है, वो है आर आर,
रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्क मैप्स और नॉन मैक एड्रेस टू एन आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आर्क नॉर्मल आर्क काम कर रहा था कि लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस फाइंड कर रहा था, ये जो होगा इसका रिवर्स काम कर रहा होगा। कुछ सिनेरियो ऐसे आते हैं जहाँ पे जो है वो थिन क्लाइंट यूज हो रहे होते हैं, कोई स्टोरेज मीडिया नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पे फिजिकल एड्रेस तो बर्न हुआ हुआ होता है, लेकिन क्योंकि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल रहा होता तो आप उसको आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते उन पीसीज को। तो वो पीसीज क्या करते हैं, उनको आईपी एड्रेस चाहिए होता है, तो एक आर सर्वर होता है जो कि क्या कर रहा होता है, उसको आईपी एड्रेस असाइन कर रहा होता है। तो उस तक फाइंड करने के लिए क्या होता है, ये प्रोसेस चलता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, मैक एड्रेस के थ्रू लॉजिकल एड्रेस फाइंड करता है, ठीक है। तो ये कुछ सिनेरियो में यूज हो रहा होता है। ये प्रोसेस क्या है, नॉर्मल आर्क का रिवर्स प्रोसेस है। नॉर्मल आर्क क्या करता है, लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस मालूम कर रहा था, ये क्या कर रहा है, फिजिकल एड्रेस से लॉजिकल एड्रेस मालूम कर रहा होता है। ये फर्क है इसके अंदर। इसके लिए पैकेट ट्रेसर में नहीं करवा सकता मैं, लेकिन प्रोसेस यही हो रहा होगा, रिक्वेस्ट जा रही होगी और उसके जवाब में क्या आ रहा होगा, उसको आईपी एड्रेस मिल रहा होगा, ठीक है। आर आर जो सर्वर होता है, एक सर्वर लगा हुआ होता है, वो ये काम कर रहा होता है। जिस तरह आपने डीएससीपी सर्वर पढ़ा था ना, तो डीएससीपी सर्वर सिमिलर वही सर्वर होता है, लेकिन डीएससीपी सर्वर जो है वो गेटवे और डीएनएसपी असाइन कर रहा होता है, लेकिन जो आर आर सर्वर होता है वो सिर्फ आईपी एड्रेस दे रहा होता है, ठीक है। डीएससीपी के अंदर तो वो डोरा प्रोसेस चलता है ना, लेकिन आर आर सर्वर के अंदर जो है वो आर आर प्रोटोकॉल चल रहा होता है, जो कि क्या करता है, फिजिकल एड्रेस भेजता है और उसके अगेंस्ट में क्या लेता है, आईपी एड्रेस। तो ये रिवर्स प्रोसेस हो जाता है। इसकी जरूरत पेश वहां आती है कि आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, आपने आईपी एड्रेस ही नहीं दिया इसको सिस्टम को, आप कम्युनिकेशन करने के लिए दोनों एड्रेसेस चाहिए होते हैं आपसे, ठीक है, आईपी एड्रेस भी और मैक एड्रेस भी। तो अब सिस्टम के पास फिजिकल एड्रेस तो मौजूद है, आईपी एड्रेस मौजूद नहीं है, तो वो क्या करेगा, आर आर तक प्रोसेस चलाएगा, जो कि रिक्वेस्ट जाएगी आर आर सर्वर तक, और वो जैसे ही मैक एड्रेस भेजेगा अपना, तो उसके अगेंस्ट में रिजॉल्व होकर क्या आएगा, उसको आईपी एड्रेस। डीएचसीपी तो एडवांस फॉर्म है ना उसकी, लेकिन अभी उस सिनेरियो की बात हो रही है जहां थिन क्लाइंट आपके यूज हो रहे होते हैं, एम्बेडेड कहीं विंडोज नहीं होती वहां पे, वो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि सिर्फ बूट होता है और वो कनेक्ट होता है नेटवर्क से और वो सर्वर से कनेक्ट हो जाता है सिर्फ, उस पर और कोई काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो वहां पे जो है आर आर चल रहा होगा। बस याद रखने की चीज ये है कि आर का रिवर्स प्रोसेस है, आप सिंपल ये याद रखें, वो क्या कर रहा था, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस फाइंड कर रहा था, इसमें क्या है, फिजिकल एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस आ रहा है। अच्छा, एक और आपके पास है ग्रेट एड्रेस जी आर, ठीक है, ग्रेट एड्रेस एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसके लिए करवा देता हूँ मैं पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है। बाद में ऐसा होता है कि आप जब आईपी असाइन कर रहे होते हैं बहुत सारे पीसीज पे और किसी किसी का आईपी ऑलरेडी मौजूद है नेटवर्क पे, और जब आप उसी को देने की कोशिश करते हैं तो एक एरर आता है आपके पास कि दिस आईपी एड्रेस इज ऑलरेडी एग्जिस्ट, या डुप्लीकेट आईपी एड्रेस का मैसेज आ जाता है। कभी देखा है आप लोगों ने आईपी एड्रेस जैसे जी, तो ये पीसी है, ठीक है, 1.1 और 1.2। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इस पीसी को जो है 1.1 ही असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको मैं फिर जो है वो सेपरेशन मोड पे करता हूँ और यहाँ पे आईपी एड्रेस में क्या कर रहा हूँ उसको 1.1, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको आईपी एड्रेस दिया तो एक आर्क की रिक्वेस्ट क्या हुई, जनरेट हो गई, ठीक है। आईपी एड्रेस आर्क की रिक्वेस्ट, ये क्या कर रहा होता है, डुप्लीकेशन चेक कर रहा होता है नेटवर्क के अंदर कि आईपी एड्रेस डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ से खोलूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द आर्क फ्रेम इज ए ग्रेडिटर सा, ठीक है। और अगर इसका आप सोर्स और डेस्टिनेशन देखोगे तो पैकेट का, तो इसका जो सोर्स है वही क्या है, इसका डेस्टिनेशन है। मतलब ये अपने आप को ही चेक कर रहा है नेटवर्क पे असाइन करने से पहले कि ये आईपी एड्रेस नेटवर्क पे मौजूद है या नहीं, ठीक है। तो ये फिर क्या होगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा पूरे नेटवर्क पे क्योंकि एफएफएफ आ रहा है, ठीक है। और अगर कोई 1.1 होगा तो वो फौरन से इसको रिप्लाई करेगा कि भाई मैं मौजूद हूँ, समझ रहे। तो वहां पर क्या आ जाएगा, आपके पास डुप्लीकेट का एरर आ जाएगा। तो इसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ठीक है। ये फौरन जनरेट हुई और इसने क्या कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया, इन सब ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन 1.1 यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। तो इसने रिप्लाई किया कि 1.1 जो है ऑलरेडी मौजूद है नेटवर्क पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन द नेटवर्क, तो 1.1 ऑलरेडी मौजूद है। ग्रेटेड के साथ क्या करता है, डुप्लीकेट आईपी एड्रेस चेक करता है आपके नेटवर्क पर। अगर हम ये चेक ना करें तो आपके, अगर आप आईपी एड्रेस डुप्लीकेट दे दें तो फिर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही आईपी एड्रेस आपने दो पीसीस को असाइन कर दी तो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन कैसे होगी, ठीक है। तो ये क्या चेक कर रहा होता है, डुप्लीकेट। जैसे ही आप आईपी एड्रेस डालेंगे ग्रेटेड आर्क की जो है रिक्वेस्ट जनरेट होगी और उसका डेस्टिनेशन भी वही होगा जो सोर्स होगा, ठीक है। जैसे ही वो ब्रॉडकास्ट होगी, अगर वो आईपी एड्रेस कोई मौजूद होगा उस नेटवर्क पे तो वो क्या करेगा, उसको रिप्लाई कर देगा कि ये मौजूद है ऑलरेडी, मतलब मैं मौजूद हूँ ऑलरेडी नेटवर्क पे, तो वो क्या करेगा आईपी एड्रेस को नहीं लेगा। फिर भी आप जबरदस्ती देना चाहें तो दे दें, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थर्ड टाइप थी आर्क की, ग्रेडिटर सॉल्व। ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही है अभी, कोई अभी इस वक्त कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, अभी सिर्फ मैं आईपी असाइन कर रहा हूँ। डीएससीपी के थ्रू अगर असाइनमेंट होगी तो फिर तो कम्युनिकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो क्या कर रहा था, पूल में से एक एक आईपी देता चला जा रहा था। ये मसला वो आता है जब आप मैनुअली आईपी दे रहे हो किसी मशीन पर, तो अक्सर आप भूल जाते हैं कि यार ये आईपी मैंने असाइन तो नहीं किया हुआ, और आप असाइन करते हैं उसको, तो ये वहां पे ये जो है गेटवे के साथ जनरेट हो जाता है। जैसे आप आईपी मैनुअल देंगे ना, एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी पूरे नेटवर्क पे, और अगर वो कोई आईपी एड्रेस ऑलरेडी मौजूद होगा तो वो क्या करेगा, अगेंस्ट में उसके रिप्लाई कर देगा आपको कि ये ऑलरेडी मौजूद है, तो आपको वहां पे क्या होगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। विद इन नेटवर्क पॉसिबल, राउटर के आगे कोई ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगी, तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तो मसले है ना, आपने दो नेटवर्क बना दिए, उनको राउटर से कनेक्ट कर दिया, तो वो राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैं कौन सा नेटवर्क पर गई, तो वहां पे आपका राउटिंग टेबल जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। दोनों का ही नहीं चलेगा, कम्युनिकेशन किसी और से करवाने चाह रहा है, तो वो आर्क टेबल चेंज होता रहेगा, उसमें जो है वो अनस्टेबिलिटी आएगी आपकी, सही है। आईपी स्पूफिंग यही है कि आप क्या करते हैं, सेम आईपी असाइन कर देते हैं, वो जब आईपी एड्रेस पढ़ाओगे तो फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। उसमें यही काम हो रहा होता है कि सेम आईपी के थ्रू वो क्या करते हैं, आर्क टेबल को जो है वो चेंज कर देते हैं, वो अनस्टेबल हो जाता है। पैकेट ट्रेसर में बल्कि ये खुद करके देखना तो आइडिया होगा कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा सवाल है वैसे आपका। अच्छा एक और आपके पास टाइप है इनवर्स आर्क, ठीक है। इनवर्स आर्क क्या होता है, लेयर टू एड्रेस टू लेयर थ्री, ये भी वही काम कर रहा होता है जो रिवर्स आर्क कर रहा होता है,
ये सेम वही फंक्शन है, लेकिन ये यूज कहां हो रहा होता है, फ्रेम रिले नेटवर्क में यूज होता है, इथरनेट में यूज नहीं होता। जहां पे डेलसी का नेटवर्क होता है वो फ्रेम रिले पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे, जबकि सीसीएनए में मेरे ख्याल से फ्रेम रिले का टॉपिक नहीं है, ठीक है, फ्रेम रिले नहीं है। तो बस ये ध्यान में रखें कि इनवर्स आर्म जो है आप लोगों के जो इथरनेट का नेटवर्क है उसमें यूज नहीं होता, ये फ्रेम रिले के नेटवर्क में यूज हो रहा होता है, जहां पे डेलसी जो है वो असाइन किए जाते हैं एंड डिवाइसेस को, ठीक है, डेलसी नंबर असाइन किए जाते हैं, तो ये रिवर्स आर्म की तरह काम कर रहा होता है। तो इनवर्स आर्म कभी भी आपका आए सामने तो आपके ध्यान में होना चाहिए इसका जो है फ्रेम रिले से रिलेटेड है और इथरनेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये काम क्या कर रहा होता है, रिवर्स आर्म वाला कर रहा होता है, बैक एड्रेस टू लॉजिकल एड्रेस फाइंड कर रहा होता है। तो हमने जो है वो आर्क जो है वो ये टाइप्स पढ़ी, वो सारी टाइप्स के लिए हम लोगों प्रॉक्सी आर्क क्या होती है, आर्क क्या होती है, इनवर्स आर्क क्या होती है, रिवर्स आर्क क्या होती है और रिलेटेड आर्क क्या होती है, ठीक है, ये टाइप्स प्रॉक्सी की इसमें क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह आप समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आर्क के इशू क्या है, आर्क ब्रॉडकास्ट आर रिक्वेस्ट कैन फ्लड द लोकल सेगमेंट, ठीक है। तो आर्क का इशू क्या है कि आर्क हमेशा ब्रॉडकास्ट होगी पूरे नेटवर्क में, फ्लड हो रही होती है और इसमें आर्क स्पूफिंग होती है, अटैकर कैन रेस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट एंड प्रिटेंड टू बी प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विस, एग्जांपल डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। तो अटैकर क्या करता है कि सेम नेटवर्क का अगर पैकेट नहीं होगा तो जो काम डिफॉल्ट गेटवे कर रहा था ना, कि वो क्या कर रहा था, किसी और नेटवर्क पे अगर पहुंचाना है तो क्या कर रहा था, अपना मैक एड्रेस दे रहा था। तो अटैकर क्या करता है, जो डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस होता है वो अपने पास रख लेता है और जैसे रिक्वेस्ट आती है डिफॉल्ट गेटवे की, वो क्या करता है, अपना मैक एड्रेस दे देता है किसी को, डिफॉल्ट गेटवे का मैक एड्रेस नहीं रखता, बल्कि जैसे ही प्रॉक्सी आपकी रिक्वेस्ट आती है वो क्या करता है, अपना मैक एड्रेस दे देता है कि यहाँ से क्या करें आप फॉरवर्ड कर लें अपने आप को। तो वहां क्या करता है, सारा का सारा नेटवर्क का फ्लो क्या होगा, वहां से फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो वहां पे आप समझ सकते हैं फिर वो अटैकर का क्या मकसद हो सकता है, ठीक है। तो ये एक इशू आता है, आर रिक्वेस्ट आई नीड द मैक एड्रेस ऑफ डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है, और उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट में अपना मैक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। तो पीसी क्या करेगा, यहां से जाने के बजाय सारा भी जो डेटा होगा वो यहां से जाने के बजाय यहां से फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा इंटरनेट पे, और ये क्या करेगा, तमाम पैकेट्स को क्या करेगा, रीड करना शुरू कर देगा, या ये नेटवर्क है यहां से फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आर फॉइलिंग, आर स्पूफिंग, सॉरी, मैन इन द मिडिल, एक्जेक्टली मैन इन द मिडिल अटैक में से एक अटैक है। अच्छा, वाइट शार्क का एक सॉफ्टवेयर है, इसके थ्रू मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं अभी, और अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना आईपी एड्रेस, ठीक है। जो हम लोग इतने अर्से से आईपी एड्रेस कर रहे थे, अब हम डिटेल में देखेंगे कि जो है वो आईपी एड्रेस है क्या। फिर वो दोबारा से भेजेगा जब वो, तो क्या होगा, चेंज हो रहा होगा मैक एड्रेस, मैपिंग चेंज हो रही होगी, वो जिधर भेजना चाहेगा उधर नहीं जाएगा, तो क्या हो रहा है, आर टेबल अनस्टेबल हो रहा है। जिस तरह मैक एड्रेस टेबल राउटर स्विच के ऊपर क्या हो रहा था, मैक एड्रेस स्पूफिंग जब वो कर रहा था तो वो भी अनस्टेबल हो रहा था, तो वही चीज। अच्छा, इसमें भी फोकस जरूरी है भाई आपका, ये एक साहब थे, ठीक है, स्लाइड आ गई इसके अंदर, 1954 6 मई को उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा था, 4 मिनट्स माइल रिकॉर्ड था, ठीक है। तो उससे पहले डॉक्टर्स जो थे उस वक्त के, उनका ये बिलीव था कि अगर 4 मिनट में कोई एक मील दौड़ सकता है इतनी स्पीड में, तो क्या होगा, उसका हार्ट फेल हो जाएगा, मतलब ये इम्पॉसिबल सी चीज़ थी, इससे पहले कोई सोच नहीं सकता था कि कोई इतना तेज दौड़ सकता है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट टाइम उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया था, ठीक है, और उसके बाद फिर सैकड़ों लोगों ने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया। तो इम्पॉसिबल चीज़ कोई भी नहीं होती लाइफ में, जब तक वो इम्पॉसिबल है जब तक आप उसको अचीव ना करें, और उसके बाद जब वो लोग देखते हैं यार इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये साहब थे जिन्होंने जो है ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। उससे पहले डॉक्टर्स का बिलीव था कि कोई अगर इतना तेज दौड़ेगा तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा,
लेकिन उन्होंने ब्रेक करके दिखाया, ठीक है। और ये साहब है अदील अहमद जो मैं बता रहा था, जिनके बारे में आपको, ये पैल्टिको कंपनी में काम करते हैं, ये हमारे कोलीग हैं, उनके दोस्त हैं, ठीक है। तो ये इनका CCI नंबर है, आप जाके सर्च कीजिएगा इनका, ठीक है। बहरीन में काम करते हैं ये, और 12 लाख तकरीबन इससे ज़्यादा इनकी तनख्वाह है इसमें, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं? तो यार ये बात ये है कि CCI नंबर लगा हुआ है ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, 45,000 नंबर इस वक्त जो है वो 60,000 को क्रॉस कर चुके हैं। टोटल दुनिया में जो CCI है ये नंबर मिल जाता है, जैसे आप CCI करते हैं तो आपको एक नंबर अलॉट हो जाता है, CCI नंबर। तो आप सिस्को की साइट पर जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि इसने किस जो है डोमेन के अंदर CCI किया है, तो ये नंबर लग जाता है आपका। ये नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो दुनिया में सिर्फ 50 से 60 हज़ार लोगों ने CCI किया, लेकिन जो पहला होगा जिसने किया होगा, ठीक है, उसके बाद तो अब आप सोच सकते हैं ना कि यार इसने किया तो मैं भी कर सकता हूँ। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है, आसान नहीं होगा, आसान आप अब है, पहला करना मुश्किल होता है। उसकी वजह यह है कि ट्रैक, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ 2020 में नया ट्रैक आ रहा है इसको का, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि क्या एग्जाम में आ सकता है। अभी तो मैं आपको 10 किस्म की वेबसाइट भी शेयर कर सकता हूँ और आपको आइडिया भी दे सकता हूँ कि एग्जाम CCNA में क्या आएगा, और एक्जैक्टली वही आएगा, कोई उससे हट के लैब नहीं आएगी। और मैं आपको बता भी दूंगा ये आएगा, बैठो के करके आ जाओगे। लेकिन जब पहली दफा आप पेपर देने जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो आपको पता ही नहीं कि आएगा क्या, तो वहां पे आपने सिर्फ अपनी नॉलेज से करना होगा। CCNA वैलिड 3 साल तक होता है, ठीक है, और CCNA भी 3 साल तक होता है। CCI जो है वो एक दफा आपने कर लिया तो उसकी दो चीजें होती है, एक थ्योरी है और एक लैब है। तो थ्योरी और लैब दे दी आपने, CCI होगा। अब आपने हर 2 साल के बाद क्या करना है, थ्योरी देनी है, लैब देने की जरूरत नहीं है। और 5 दफा अगर आपने थ्योरी दे दी 10 साल में, तो फिर वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है आपका, कहीं फिर वो एक्सपायर नहीं होगा कभी भी, अब तक की सिस्को की पॉलिसी के हिसाब से, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि यार ये PhD नेटवर्क है, इतनी बड़ी चीज हो जाते हैं आप, सही है। तो आपका भी रास्ता वही है जो मेरा रास्ता है, सही है। तो कोशिश जारी रखें, आगे फिर देखते हैं। 8 घंटे की लैब होती है, मैंने बताया था CCI की आपको, 8 घंटे आपने, इसका मतलब है PC पे बैठना है आपने, बोर नहीं होना। 8 घंटे अगर लैब करनी है तो आपको 16 घंटे बैठने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे एक स्टेप ऊपर ही हूँ बस अभी, ठीक है, CCNA और CCNA साइबर ऑपरेशन, लेकिन नॉलेज मुझे CCNP तक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन पेपर मैंने नहीं दिए इसके लिए, मैं डायरेक्ट CCI का ही दूंगा, जब भी दूंगा तो उसको स्किप कर दूंगा मैं, उसके कोई प्री रिक्वेस्ट नहीं है, आप डायरेक्ट CCI दे दें। उसके लिए ज़रूरी नहीं है आप CCNA दें या CCNP दें, आप डायरेक्ट CCI का पेपर भी दे सकते हैं, ठीक है। CCNP के लिए CCNA देना ज़रूरी है अब तक की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन जो नेक्स्ट ट्रैक आ रहा है उसमें सिस्को ने खत्म कर दिया, आप डायरेक्ट CCNP भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखो हर चीज के अंदर एडवांसमेंट आ रही है ना, जनरेशन आ रही होती है, तो अब जो है वो डिमांड क्या है। अब उस दिन में डिस्कस करा था, मैंने कहा यार AI का क्या काम है नेटवर्क के अंदर, सही है, पाइथन का क्या काम है नेटवर्क के अंदर, सोचने वाली बात है। तो आज से 5 से 10 साल पहले तो नहीं था, लेकिन अब है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतना इन्फ्लुएंस कर गई है कि अब आपका जो नेटवर्क सेल्फ हीलिंग का कॉन्सेप्ट दिया था मैंने आप लोगों को, कि नेटवर्क क्या कर रहा था, सेल्फ हील कर रहा था। तो अब अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जरूरत नहीं है कि आप बैठ के उसको ट्रबल शूट कर रहे हो, नेटवर्क के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कुछ इस तरह की, उसके अंदर इंटेलिजेंस होनी चाहिए कि वो अपना जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करे और फिक्स भी कर सके, बात समझ। तो AI तो इन्वॉल्व हो गई, ठीक है, तो वहां पर AI की जरूरत पड़ेगी, आपको प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ेगी, इस तरीके से आपने प्रोग्राम करना पड़ेगा अपने नेटवर्क को, क्या अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो नेटवर्क ऑटोमेटिकली क्या करे, सेल्फ हील करे, अपने आप को रिपेयर कर ले। कोई डिवाइसेज है तो वो क्या करे, उसको अपग्रेड की जरूरत है तो वो अपग्रेड कर ले, राउटर आवेज आप जाके नहीं देखेंगे, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंटेलिजेंटली वो देखेगा कि कब नीड है इसको IOS अपग्रेड करने की,
कब नीड है इसको मुझे, अगर वो राउटिंग हो रही है तो उसको चेंज करने की, और अगर कोई डिवाइस फेलियर होती है तो मुझे कब नीड पड़ेगी कि इसको मैं डायग्नोज कर सकूँ अपने एंड पे खुद ही, और उसको क्या करूँ मैं रिप्लेस कर सकूँ, फिक्स कर सकूँ। तो वहाँ पे AI आ गई और प्रोग्रामिंग भी आ गई। और फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे होते हैं, तो छोटे नेटवर्क की बात नहीं कर रहा, तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको, जिस तरह लॉग सर्वर की मैंने बात की थी, कि आपको बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर भी कर रही होती हैं, तो जहाँ आपके गेटवे लगे हुए होते हैं वहाँ पे आपका डेटा जो है वो मॉनिटर भी किया जा रहा होता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि आप इंडिविजुअली सिर्फ आपको मॉनिटर किया जा रहा होगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे कुछ ना कुछ सर्वर लगे होते हैं जिनमें AI एम्बेडेड बिल्ड इन हो रहा है, और वो सिर्फ ट्रैफिक को देख रहे होते हैं और वो ट्रिगर अपडेट हो रहा होता है। कोई ट्रिगर होगा तो वो क्या करेगा, अलार्म आ जाएगा उसका फौरन। जाहिर सी बात है वहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग मैकेनिज्म होगा, तो वहाँ पे फिर आ गया सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क। आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरा नेटवर्क पे डेटा जो जा रहा है, ये डेटा जा क्या रहा है। तो आपका नेटवर्क इतना एफिशिएंट होना चाहिए कि वो ये भी देख सके कि इसमें डेटा क्या जा रहा है, कोई इस तरीके से मैलफंक्शनिंग या कोई ऐसा डेटा जा रहा है जिसको मैंने खुद देखना है और उसको फिक्स करना है। आप US के अंदर वीजा कभी अप्लाई किया किसी ने? US एम्बेसी में आप वीजा अप्लाई करें और उसके बाद जो है वो आपकी मॉनिटरिंग शुरू हो जाती है। फिर आप जब बैठेंगे, मेरा एक दोस्त गया था तो उसने वीजा अप्लाई किया था, तो जब पूरी उसने इंफॉर्मेशन दी तो उन्होंने इंफॉर्मेशन में उसे इंटरव्यू में पूछा कि यार आप प्राइवेट भी गए थे? तो उसने कहा हाँ मैं गया था प्राइवेट। तो उसने कहा आपने इसमें लिखा क्यों नहीं है? तो मतलब ये भी इंफॉर्मेशन थी उनको, आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो वो देखते हैं कि कौन लोग हमारे जो कंट्री में आना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसे नहीं करेंगे आपको मॉनिटर, लेकिन जैसे ही उनके पास ये आई एप्लीकेशन या कोई एक नाम है जो उनको फाइंड करना है, जो कि उसामा था पहले, तो वो देखेंगे उसामा से रिलेटेड क्या कोई कम्युनिकेशन हो रही है या नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे उसको पकड़ लेते हैं। बल्कि डैनियल पर्ल का केस बताया था मैंने आप लोगों को, डैनियल पर्ल का केस याद है किसी को क्या था उसके अंदर? नहीं याद। उसकी कम्युनिकेशन ऐसी होती थी, उन्होंने यहाँ से जौहर से पकड़ा था इंटरनेट कैफे के अंदर, जो बंदा ये काम कर रहा था वो कम्युनिकेशन करता ही नहीं था नेटवर्क के ऊपर। वो क्या करता था, मेल बॉक्स खोलता था अपना, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ आपको 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ डैनियल पर्ल केस की, बल्कि इससे भी 2006 की बात है। तो वो क्या करता था, मेल बॉक्स खोलता था अपना और उसके अंदर ड्राफ्ट के अंदर मैसेज टाइप करता था जो कि कोडिंग में होता था, ठीक है, टेक्स्ट मैसेज, और उसको सेव कर देता था और वो कहीं सेंड नहीं होती थी मेल, और दूसरे लोकेशन पे बंदा वही मेल बॉक्स खोलता था और ड्राफ्ट से क्या करता था उसको वो गेट कर लेता था मैसेज को। तो जब कम्युनिकेशन ही नहीं हुई तो उसको गेट कौन करेगा, उसको मॉनिटर कौन करेगा? तो वहां से कॉन्सेप्ट आया कि ये लोकेशन, एक ही लोकेशन पे एक बंदा मौजूद है जो उस वक्त पाकिस्तान में, और उसी शाम के या 2 घंटे के बाद वो बंदा अफगानिस्तान में मौजूद है और वहां से लॉग इन करता है और वो क्या करता है इन्फॉर्मेशन ले लेता है। लेकिन उन्होंने पकड़ने वालों ने तो पकड़ लिया उसको भी, ठीक है। तो उनके पास इतने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है सर्वर्स लगे हैं जो एक चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो आने वाले दौर में इसलिए जो है सिस्को ने अपना ट्रैक, क्योंकि आपको तो वर्ल्ड के साथ अपडेट होना है ना, तो आने